दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए सट्टा बाजार के फाइनल आंकड़े सामने आ चुके हैं और सट्टा बाजार के अनुसार दिल्ली में अब की बार किसकी बनने जा रही सरकार और फलौदी सट्टा बाजार और दिल्ली के लिए जो जसावर सट्टा बाजार है उसके ताजा भाव किस पार्टी को कितनी सीटें दिखा रहे हैं। 8 फरवरी को वोटिंग और मतगणना इसकी 11 फरवरी को हो जाएगी, लेकिन इससे पहले किसकी बनेगी सरकार, क्या आम आदमी पार्टी या बीजेपी या फिर कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, इस पर कुछ और सर्वे आपको दिखाते हैं। सीए कितना बड़ा मुद्दा है चुनाव के लिए, 60% लोग मानते हैं बहुत बड़ा मुद्दा है, 30% लोग इसको मुद्दा नहीं मानते हैं, जबकि 10% ये कहते हैं कि मुद्दा है लेकिन दिल्ली में नहीं है। तो सट्टा बाजार के क्या रुझान है दिल्ली के लिए, इन 70 सीटों पर सबसे ताजा फलौदी सट्टा बाजार के आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं और अगर जो सर्वे है उसमें मोदी का काम कितना बड़ा मुद्दा है, 68% लोग मानते हैं कि मोदी का जो काम है वो बड़ा मुद्दा यहाँ पर बना हुआ है और कहीं ना कहीं दिल्ली में ये काफी कुछ यहाँ पर बयां करने वाला है। लेकिन दिल्ली में केजरीवाल के मुकाबले किसी चेहरे को ना उतारना, बीजेपी की नस यहाँ पर पकड़ ली अरविंद केजरीवाल ने, इस पर जबरदस्त यहाँ पर वार किया है और दिल्ली में जिस प्रकार से बीजेपी ने अपना कैंडिडेट यानी मुख्यमंत्री का नाम नहीं दिखाया है, इससे कितना फायदा कितना नुकसान होगा ये यहाँ पर आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन दिल्ली के लिए फलौदी सट्टा बाजार ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसमें आम आदमी पार्टी 42 से 50 सीटों पर आ रही है और भाजपा 15 से 25 सीटों पर सिमट रही है, तो कांग्रेस जो है वो 2 से 6 सीटों पर सिमट रही है। ये फलौदी सट्टा बाजार के सबसे ताजा आंकड़े यहाँ पर निकलकर सामने आ रहे हैं। इसके अलावा दिसावर गली सट्टा बाजार जो की दिल्लियों का सट्टा बाजार है उसके अनुसार क्या यहाँ पर आंकड़े बन रहे हैं, आम आदमी पार्टी जो है 50 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज कर रही है जबकि भाजपा अधिकतम 15 सीटों पर आ रही है, कांग्रेस 2 से 4 सीटों पर आ सकती है। इसके अलावा अगर दिल्ली के लिए जो एबीपी न्यूज ने ओपिनियन पोल दिया था उसके भी आंकड़े अगर आपको दिखा दें, आम आदमी पार्टी 46% वोट शेयर के साथ सबसे बड़ी पार्टी बन रही है, तो बीजेपी 37% वोट शेयर इन 70 सीटों के लिए ला सकती है, लेकिन कांग्रेस के हिस्से में 4% वोट शेयर जा सकता है और कुछ परसेंटेज वोट जो है अभी भी तय नहीं कर पा रहे वो किसके पक्ष में है, लेकिन सीटें किसके पक्ष में कितनी सीटें, देखिए कांग्रेस को 0 से 4 सीटें आ सकती हैं, 42 से 56 सीटें आम आदमी पार्टी के पक्ष में आ रही हैं। अगर 20% वोट शेयर नहीं मिलता है आम आदमी पार्टी के लिए तब भी वो सरकार में वापसी कर रही है, एक मजबूत यहाँ पर वापसी करते नजर आ रहे हैं एबीपी न्यूज का जो सर्वे है उसके अनुसार, और बीजेपी 10 से 24 सीटों पर आ सकती है जो एबीपी न्यूज ने 5 फरवरी को सर्वे दिया था। इसके अलावा अगर आपको और ओपिनियन पोल के आंकड़े दिखा दें जिसमें News24 का जो यहाँ पर ओपिनियन है उसके अनुसार 52% वोट शेयर आम आदमी पार्टी के पक्ष में है, तो बीजेपी यहाँ पर 42 और कांग्रेस को 5% अन्य के खाते में 1% वोट शेयर जा रहा है। लेकिन सीटें देखिए किस प्रकार से 70 सीटों के लिए जो यहाँ पर आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी 48 से 53 सीटों पर, तो बीजेपी 15 से 20 सीटों पर, कांग्रेस 0 से 2 सीटों पर, अन्य के खाते में 1 भी सीट यहाँ पर जाती नजर नहीं आ रही है। तो ये दिल्ली के लिए बड़ा सर्वे है और दिल्ली में अब कहीं ना कहीं टक्कर में पहले बीजेपी थी, अब क्या होगा ये तो 8 फरवरी को तय हो जाएगा, उसके रिजल्ट जो है 11 फरवरी को देखने को मिल जाएंगे। लेकिन आपको क्या लगता है दिल्ली में अब की बार किसकी सरकार और किस पार्टी को कितनी सीटें जा सकती हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।